सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 7 किल्स इन BGMI और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। किल करेंगे आज हम बहुत सारे हम लोग। और यहाँ पे जब मैं नीचे था ना, तो यहाँ पे एक बॉट आएगा और मुझे नहीं पता था वो बॉट होगा, तो मैं बॉट का रश करने का वेट कर रहा था कि मेरे पे कब एक बॉट रश करे, बट मुझे उस टाइम में पता नहीं था। तो एंड जैसे ही मैंने इसको मारा ना, तभी मेरे को पीछे से फायर आता है, तो मैं जैसे ही ऊपर जाके देखता हूँ, ऊपर लो भाई भंगड़ा पा रहे थे यार दो दो बंदे। एंड मैंने एक को मारने का कोशिश किया, तो दूसरे वाले ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। हालांकि मैंने भी उन दोनों को बहुत डैमेज दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को नॉक नहीं कर पाया। बट मैं यहाँ पे और मतलब नॉक करूँगा, यहाँ पे बहुत मतलब तड़पा के मारूंगा आराम से। बट यार मेरे को फुट स्टेप आ रहे थे नीचे, जो कि एक एनिमी था और जो कि मेरे ग्राउंड फ्लोर पे था, बट वो मुझ पर रश कर नहीं रहा था, तो मैं क्यों रश करूं यार उस पर। हालांकि मैंने नाम पढ़ लो, ठीक है नाम पढ़ा ना तुम लोगों ने। अब देखो मैं इस बंदे को आई गेस 2-3 बार मारता हूँ, मुझे नहीं पता यार कि मतलब इसकी किस्मत में क्या लिखा था। हालांकि देख सकते हो तुम लोग यार नीचे से ही फुट स्टेप आ रहे हैं, तुम लोग सुन सकते हो। तो अब मैं सामने वाले एनिमीज पे ना रश कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नॉक किया था रॉयल रेवेंजर को, और इस बंदे को देखना मैं बहुत बार नॉक करूँगा। और ये भाई एक बार नॉक होने के बाद इसने ठान लिया था ये मेरे को मार के रहेगा, बट क्या कर सकते हैं यार, नहीं मार पाया मुड़ा होगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ, एंड तभी मेरे को पीछे से भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कोई फायर कर रहा है मुझ पर, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, बट फिर भी मैं उन पर ध्यान रख रहा होता हूँ। हालांकि पीछे से पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से मार रहा है, एंड मैं इधर से देखता हूँ कि भाई इधर कोई ओपन में लेटा है, नहीं लेटा बैठ नहीं लेटा था तो कोई, तो मैं स्मोक कर लेता हूँ ताकि मेरे को पीछे से पड़े ना ये मतलब है ना। तो जैसे मैं स्मोक करता हूँ ना और मैं स्मोक के अंदर जाता हूँ, तब तक भाई कोई बंदा नीचे कौन जाता, अब तुम देखना कैसे। बट मैं पीछे चेक करने आ जाता पहले कि यहाँ पर कोई है नहीं है, तभी मैं कोई हिट मार करता पीछे से जो कि एक बॉट का था, बट कोई बात नहीं। बट हाँ एनिमी था जरूर यहाँ पे, एंड जैसे जब तक मैं अंदर पहुँचता ना एक बंदा आ चुका होता है मेरे मतलब मेरे नीचे वाले फ्लोर पे। अब देखना स्मोक के आड़ में वो छलांग मार कर नीचे कौन जाता है, जैसे मैं नीचे जाता हूँ अब तुम देखना उसने मुझ पर फायर दिया। तो हेडशॉट बजाया ना भाई, मैंने बोला अब ये नॉक हो जाएगा। एंड अब तुम नॉक देख सकते हो खिड़कियों में, तो मैं एक बंदा दिखाऊंगा जो कि ऊपर आता है नेड कर रहा होता है मुझे, तभी मैं उसे मार देता हूँ। एंड मुझे लगा भाई उसने नीचे ग्रेनेड फेंका होगा, बाद में पता चलता है इसने ऊपर ही फेंका था ग्रेनेड तो। बट ठीक है, अब मैंने जैसे इसको नॉक किया भाई, इसका टाइम में इतना हराम ही था ना कि भाई जब मैंने उसको नॉक दिया था ना, तो भाई इसका टाइम किसी के पास था, बट जैसे मैंने उसको नॉक दिया वो कवर में भाग गया। उसको डर देख रहे हो, खौफ देख रहे हो। एंड मैंने पीछे भी देखा जहाँ से मैंने ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो मैंने वहाँ पे भी देखा, तो मैंने देखा बट वहाँ पे कुछ था नहीं, तो अब जल्दी से हील कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे मैं अपने आइटम मतलब फेंक रहा होता हूँ, तभी एक टैप फायर आता है जो कि इस बंदे का था, और इस बंदे का नाम एक बार पढ़ो। यह गाइस यही बंदा था जो इसको मैंने स्टार्टिंग में नॉक दिया था और बेचारा मर गया हो, तो रिकॉलो क्या है मैंने इसे दोबारा मारा। और जब मैं पहले वॉइस ओवर दे रहा था तो मुझे लगा इसको मैं 2-3 बार और नॉक करता हूँ, क्योंकि जब मैं एडिट कर रहा था ना तो इसका नाम मैंने 3-4 बार पढ़ा था यार, तो मेरे को लगा मैंने इसको शायद 3-4 बार नॉक दिया होगा। बेचारे को मैंने दोनों बार मार दिया, इसके बाद दोनों लाइफ मैंने ख़त्म की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैं जोन में भाग जाता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे पीछे की तरफ फाइट चल रही होती है, और मैं निहत्ता बंदा भागता हुआ आ रहा होगा जोन में, बट कोई आ नहीं रहा था, बट एक बॉट जरूर आता है। बॉट के साथ साथ एक हिट मार्क भी आता है जो कि राइट से था, पता नहीं कहाँ से मार रहा था वो, बाद में वो गेंद लेके आता है और मुझे फिनिश करके लूट भी ले लेता है मेरी। तो यार गाइस ये था आज का गेम, मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय। और हालांकि मेरे पास एक लाइफ लाइन थी।